बाहरी उत्तरी दिल्ली के अलीपुर थाने से चंद कदमों की दूरी पर ही पति पत्नी को छोड़कर वहां से फरार हो गया। महिला बिहार के मधुबनी जिले की रहने वाली है। महिला ने इस मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस को भी दी थी। वहीं इस मामले की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने पति से फोन पर संपर्क साधा, जिसमें पत्नी ने अपनी गलती मानी और पति को माफ किया और पति ने कहा कि मैं जल्दी उसे लेने आता हूँ। पति थाने भी पहुँचा और उसे लेकर बाहर आ गया, लेकिन बाहर आने के बाद फिर महिला को सरकारी स्कूल के पास बैठा कर वहाँ से फरार हो गया, छोड़ के चला गया है। कहाँ गया है? बिहार चला गया छोड़ करके। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर बैठे हुए? हम रहा है 2 बजे से बैठी है। पुलिस के पास गए थे? गए थे, वो बोला था जो कंप्लेन तो किए थे वो अंदर करने गए थे, लेकिन हम माफ़ी मांग लिया, बोला जो इस बार माफ़ कर दो, आगा बार जो होगा सो देखल जाएगा, तो छोड़ दिया। फिर वो छोड़ दिया तो भाग गया हमारा छोड़ कर। दोबारा कॉल किया आपने 100 नंबर पे? जी जी। नहीं किए हम। सर रहने वाले हैं? हम अरेर जफरा, घर है मधुबनी जिला है वहाँ के। क्या नाम है आपका? इंदिरा देवी। महिला ने बताया कि महिला का पति बिहार से उसे दिल्ली लेकर आया था, लेकिन यहाँ लाने के बाद उसे छोड़कर यहाँ से फरार हो गया। मेरा नाम अशोक चौकस है। अशोक जी, क्या हुआ है? कौन है ये महिला? मैं यहाँ से अभी गुजर था, शाम के टाइम थोड़ा घूमने के लिए टहलने के लिए निकला हुआ था, तो मुझे देखा भीड़ इकट्ठी हुई थी और ये महिला काफ़ी देर से रो रही थी, तो प्यासी थी, इसको पानी दिया मैंने। फिर पूछा अभी तुम कौन हो, क्यों रो रही है? तो इसने मुझे बताया कि इसका पति से छोड़ कर चला गया है और कई घंटों से यहाँ बैठी हुई है ये, और बता रहे कि बिहार की रहने वाली है मधुबनी जिले की। तो इस समस्या को काफ़ी गंभीर मैंने देखा, फिर 181 पे कॉल किए महिला आयोग में कि भाई किसी तरह से इस महिला की मदद मिल सके। तो यहाँ नज़दीक थाना है, ये गवर्नमेंट स्कूल है, स्कूल के सामने ये बैठी हुई है, तो एक इंसानियत के नाते मैं इसकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह से को मदद मिल जाए समाज में, कि भाई किसी तरह से किसी महिलाओं रात भर कैसे यहाँ पर रहेगी, ये बड़ा समस्या है। तो महिला आयोग से क्या जवाब मिला आपने? महिला आयोग ने बोला है मैं जल्द से जल्द यहाँ पे इनके लिए सहायता भेजती है। महिला आयोग यहाँ पे अपनी पुलिस को भी सूचना देती है और महिला आयोग से सहायता देने के लिए वादा किया उन्होंने कि भेजने के लिए। इस मामले को लेकर स्थानीय नागरिक अशोक टोकस ने इस मामले की जानकारी दिल्ली महिला आयोग को भी दी है। महिला करीब 2-2.5 घंटे से भूखी प्यासी वहीं पर उसका इंतजार कर रही है, लेकिन पति का अभी तक कोई भी अता पता नहीं है। उसे फोन भी कर रहे हैं लेकिन वह फोन नहीं उठा रहा। महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार में दिल्ली महिला आयोग भी लगातार बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन वहीं राजधानी दिल्ली में यह सभी दावे तार तार होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि थाने से चंद कदमों की दूरी पर ही पति पत्नी को छोड़कर फरार हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।